नमस्कार, इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नैराश्य लीला। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। इधर किराए बढ़ गए थे, उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे, सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिससे सदैव डरते रहना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिंब थी। पति के विचार उसके विचार और पति की इच्छा उसकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों को समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक, जितना सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते हैं। इसका कदाचित यह कारण था कि एक कन्या के सिवा उनके और कोई संतान न थी। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करें तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिख लिखा कर निश्चिंत हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी न हुआ था। वह अभी तक यह भी न जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है, कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौंचक्की हो होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ ही में ना आता था कि यह लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनका और उनके बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है, मुझे इसकी क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे, अम्मा से जो चीज मांगूंगी वह दे देंगी। फिर रोऊं क्यों, ये अपनी माँ को रोते देखती तो रोती, पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद यह लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जिसे वह दे न सके, तो मैं ऐसी चीज मांगूंगी ही क्यों। मैं अब भी तो उनसे कुछ नहीं मांगती, वह आप ही मेरे लिए एक न एक चीज नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी। इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी, घर में आना जाना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने ना आती। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया, बैठी किस्से कहानियां पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जाती है, इस वज्रपात ने उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा लें, कहां तक छाती पर पत्थर की सिल रखूं। हृदयनाथ, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए जिसमें शोकमय विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ, हम लोग यों ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बनाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजाना करा दिया, इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूं, लेकिन अब जब्त करूंगी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बिना दिल बहलाव के उसका शोक न दूर होगा। हृदयनाथ, मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूंगा। कल एक सैर बीन लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूंगा, ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूं, बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है।
उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करने शुरू किए। कैलासी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें न देखती, होठों पर हंसी की आभा दिखाई देती। वह मुस्कुराकर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आए। कभी गंगा स्नान की ठहरती, वहां माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियां भी आने लगी। कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलासी को देखते ही मग्न होकर बोलते, बेटी आओ तुम्हें आज काश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों की छटा देखें। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलासी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। इस भांति दो वर्ष बीत गए। कैलासी सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर न जाती तो बेकलसी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिसमेरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों की। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलासी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई, किसी से बातें करती तो वही थिएटर की ओर सिनेमा की। भौतिक संसार से अब कोई वास्ता न था, अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोक की निवासिनी होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूति न रही। किसी के दुख पर जरा दया न आती। स्वभाव में उच्चृंखलता का विकास हुआ। अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डींगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, ये सिनेमा की कद्र क्या करेंगे, इसकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं, वहां मनोरंजन की सामग्रियां उतनी ही आवश्यक हैं जितनी हवा। जब ही तो वे उतने प्रसन्न चित्त रहते हैं मानो किसी बात की चिंता ही नहीं। यहाँ किसी को इसका रस ही नहीं। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य भी दिया है वह भी सरे शाम से मुंह ढांक कर पड़ रहते हैं। सहेलियां कैलासी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उनका अपमान करने के आवेग में आप ही हास्यास्पद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक सम्मति किसी की रियायत नहीं करती। किसी ने सिर पर टोपी टेर ही रखी और पड़ोसियों की आंखों में खूबा। कोई जरा अकड़ कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है लेकिन माँ कैसी है, उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़े ही है, इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तक तो ये खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। बहन तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट देती हो, हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है। न कोई काम न धंधा, कोई कहां तक बातें करे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो यह तो बधे की बात है, सभी के दिन हंसी खुशी से कटें तो रोए कौन। यहां तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है, कोई मिठाइयों की रट रहा है तो कोई पैसों के लिए महनामथ मचाए हुए है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हूं। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। बधे की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पर बिठा दे तब भी तस्कीन न होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौज ऐसा दिल, ये भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर, हम गृहिणी कहलाती हैं,
हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग्य पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की छुटकियां लेना चाहती थीं, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी क्रीड़ा करना चाहती थीं। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके परपीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में न थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वांग भरते हैं, हठ धर्मी को आत्म स्वातंत्र्य के नाम से छिपाते हैं। वह संचित भाव से बोले, तो अब क्या होगा? जागेश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए यह आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी, लेकिन कैलासी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ, उसकी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। शनय शनय यह विलासोन्माद शांत होने लगा, वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्याय समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय संयम उपासना में मां बेटी रत रहने लगीं। कैलासी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आईं। उत्सव मनाया गया। मां बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलासी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलासी को वह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही आप खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित्त का अवसर कहाँ मिलता? गुरु जी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित्त का यह अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती। दिन में दो दो तीन तीन बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं के सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहां किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शनों के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी न भरता, मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई, घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई, हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहां तक कि तीन ही बरसों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। मां बाप को यह समाचार झात हुआ तो होश उड़ गए। मां बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम ऐसी बातें सोचती हो? कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्द निवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती हो? माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी तो बदनामी की क्या चिंता? जागेश्वरी, बेटी तुम्हें न हो हमको तो है। हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो सन्यास ले लिया तो हम किस आधार पर जिएंगे? कैलाश कुमारी, परमात्मा ही सबका आधार है, किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग्य करने लगते हैं।
यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई, लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले न समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है, तो अब क्यों पछताते हैं। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे झिड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछने और फुसलाने लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग्य के बाद इस गुत्थी के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो, कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने फरमाया, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा। जब हमारे साधु महात्मा जो हिंदू जाति के स्तंभ हैं इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया। हृदयनाथ, यह विपत्ति तो मेरे सिर ही पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम होगा। पहले महाशय, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर डालना ही ना चाहिए था। पहले महाशय, उस पर पछताने से क्या होगा, सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए, यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है, लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है, मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाएं, उन्हें किताबें गुड़ियां आदि इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगी, लड़की का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। ज्यों ही यह लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज पेश की। कैलासी को संन्यस्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता था। कहां वह महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, वह हिमराशि की ज्ञानमय ज्योति, वह मानसरोवर और कैलाश की शुभ छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहां बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक संन्यास है। संन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता है, सेवा व्रतधारी स्वयं की परमार्थ की वेदी पर बलि दे देता है, इसका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीचि का जो यश है, हरिश्चंद्र की जो कीर्ति है, उसकी तुलना और कहां की जा सकती है। संन्यास स्वार्थ है, सेवा त्याग है आदि, उन्होंने इस कथन की उपनिषदों और वेद मंत्रों से पुष्टि की। यहां तक कि धीरे धीरे कैलासी के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों की लड़कियों को एकत्र किया, पाठशाला का जन्म हो गया, नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते, कन्याएं शौक से आती, उन्हें यहां की पढ़ाई खेल मालूम होती। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई, अन्य मोहल्लों की कन्याएं भी आने लगीं। कैलाश कुमारी की सेवा प्रवृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी, दिन भर लड़कियों को लिए रहती, कभी पढ़ाती, कभी उनके साथ खेलती, कभी सीना पिरोना सिखाती। पाठशाला ने परिवार का रूप धारण कर लिया। कोई लड़की बीमार हो जाती तो तुरंत उसके घर जाती, उसकी सेवा शुश्रूषा करती, गाकर या कहानियां सुनाकर उसका दिल बहलाती।
पाठशाला को खुले हुए साल भर हुआ था, एक लड़की को जिससे वह बहुत प्रेम करती थी चेचक निकल आई। कैलाशी उसे देखने गई। माँ बाप ने बहुत मना किया पर उसने न माना, कहा तुरंत लौट आऊंगी। लड़की की हालत खराब थी, कहां तो रोते रोते तालू सूखता था, कहां कैलाशी को देखते ही मानो सारे कष्ट भाग गए। कैलाशी एक घंटे तक वहां रही, लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब वह चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू किया। कैलाशी मजबूर होकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह फिर उठी तो फिर लड़की की यही दशा हो गई, लड़की उसे किसी तरह छोड़ती ही न थी। सारा दिन गुजर गया, रात को भी लड़की ने न जाने दिया। हृदयनाथ उसे बुलाने को बार बार आदमी भेजते पर वह लड़की को छोड़कर न जा सकती। उसे ऐसी शंका होती थी कि मैं यहां से चली और लड़की हाथ से गई। उसकी मां विमाता थी, इससे कैलाशी को उसके ममत्व पर विश्वास न होता था। इस प्रकार वह 3 दिनों तक वहां रही। आठों पहर बालिका के सिरहाने बैठी पंखा झलती रहती, बहुत थक जाती तो दीवार से पीठ टेक लेती। 4थे दिन लड़की की हालत कुछ संभलती हुई मालूम हुई तो वह अपने घर आई, मगर अभी स्नान भी न करने पाई थी कि आदमी पहुंचा। जल्द चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल से कोई नर्स बुला लें। कैलाश कुमारी, दादा आप व्यर्थ में झुंझलाते हैं, उस बेचारी की जान बच जाए मैं 3 दिन नहीं 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूं, आखिर यह देह किस दिन काम आएगी। हृदयनाथ, तो कन्याएं कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी, 2-1 दिन में वह अच्छी हो जाएगी, दाने मुरझाने लगे हैं, तब तक आप जरा इन लड़कियों की देखभाल करते रहिएगा। हृदयनाथ, यह बीमारी छूत से फैलती है। कैलाशी हंसकर, मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर उसने उधर की राह ली, भोजन की थाली पर सी रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है बहुत जल्द यह पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जागेश्वरी, बिना मांग जी के नाव पार लगाना बहुत कठिन है, जिधर हवा पाती है उधर ही बह जाती है। हृदयनाथ, जो रास्ता निकालता हूं वही कुछ दिनों के बाद किसी दलदल में फंसा देता है, अब फिर बदनामी के सामान होते नजर आ रहे हैं, लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घर जाती है और कई कई दिन पड़ी रहती है, क्या करूं। कह दूं लड़कियों को ना पढ़ाया करो। जागेश्वरी, इसके सिवा और हो क्या सकता है। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी। कैलाशी ने तीव्र स्वर से कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भय है तो मुझे विष दे दीजिए, इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है। हृदयनाथ, बेटी संसार में रहकर तो संसार किसी करनी ही पड़ेगी। कैलाशी, तो कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे क्या चाहता है, मुझ में जीव है चेतना है, जड़ क्यों कर बन जाऊं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागिनी दुखिया समझूं और एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ी रहूं, ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूं, मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूं कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए, नित्य कोई चरवाहों की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे कि किसी खेत में न जा पड़ूं, ये दशा मेरे लिए असह्य है। ये कहकर कैलाश कुमारी वहां से चली गई कि कहीं मुंह से अनर्गल शब्द न निकल पड़े। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी का यथार्थ ज्ञान होने लगा था, स्त्री पुरुष की कितनी अधीन है, मानो स्त्री को विधाता ने इसीलिए बनाया है कि पुरुषों के अधीन रहे, ये सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगती थी। पाठशाला तो दूसरे ही दिन से बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है उससे हमें द्वेष हो जाता है, गरीब आदमी इसीलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुष पर इतनी अवलंबित है, पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधायक है, स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे उनका मुंह ताके, इसलिए न कि स्त्रियों में अभिमान नहीं है आत्मसम्मान नहीं है। नारी हृदय के कोमल भाव उसे कुत्तों का दुम हिलाना मालूम होने लगे। प्रेम कैसा, ये सब ढोंग है, स्त्री पुरुष के अधीन है,
उसकी खुशामद न करे, सेवा न करे, तो उसका निर्वाह कैसे हो। एक दिन उसने अपने बाल गूंथे और झूड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। मां ने देखा तो ओंठ से जीभ दबा ली। महरियों ने छाती पर हाथ रखे। इसी तरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी साड़ी पहन ली। पड़ोसिनों में इस पर खूब आलोचनाएं हुईं। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया, जो पिछले 8 बरसों से रखती आई थी। कंघी और आईने को वह अब त्याज्य न समझती थी। सहालग के दिन आए, नित्य प्रति उसके द्वार पर से बरातें निकलती। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर देखती। वर के रंग रूप आकार प्रकार पर टीकाएं होती। जागेश्वरी से भी बिना एक आंख देखे न रहा जाता, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूल कर भी इन जुलूसों को न देखती। कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मुंह फेर लेती। उसकी दृष्टि में वह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार था। बातों को वह शिकारियों के कुत्तों समझती। यह विवाह नहीं है, स्त्री का बलिदान है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाई होने लगी। रमणियाओं इस व्रत को रखने की तैयारियां करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान किया, नई नई साड़ियां मंगवाई। कैलाश कुमारी के ससुराल से इस अवसर पर कपड़े, मिठाइयां और खिलौने आया करते थे, अब की भी आए। यह विवाहिता स्त्रियों का व्रत है, इसका फल है पति का कल्याण। विधवाएं भी इस व्रत को यथोचित रीति से पालन करती है। पति से उनका संबंध शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता, अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाश कुमारी अब तक यह व्रत रहती आई थी, अब की उसने निश्चय किया, मैं व्रत न रखूंगी। मां ने तो माथा ठोक लिया, बोली, बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलाश कुमारी, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी, मर्दों में इसकी प्रथा नहीं है। कैलाश कुमारी, इसीलिए न कि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान। जागेश्वरी, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है अपने पुरुष की सेवा करना। कैलाश कुमारी, मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए अपनी आत्मा की रक्षा के सिवा और कोई धर्म नहीं। जागेश्वरी, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। कैलाश कुमारी, फिर वही दुनिया। अपनी आत्मा के सिवा मुझे किसी का भय नहीं। हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह बातें सुनी तो चिंता सागर में डूब गए। इन बातों का क्या आशय? क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ है या नैराश्य की क्रूर क्रीड़ा है? धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा को त्याग देता है। निस्संदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण किया है। सामान्य दशाओं में नैराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्वशील प्राणियों में वह परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहां पर हृदयगत कोमल भावों का अपहरण कर लेता है, चरित्र में अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोकलाज और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है, नैतिक बंधन टूट जाते हैं। यह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। हृदयनाथ इन्हीं विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? हृदयनाथ, क्या बताऊं? जागेश्वरी, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है, पर उसे जबान पर नहीं ला सकता। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नैराश्य लीला।